रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया की यात्रा पर है। पुतिन करीब 24 साल बाद उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम रखा है। इससे पहले साल 2000 में पुतिन ने प्योंगयांग का दौरा किया था। पुतिन की इस यात्रा के कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश इस समय अमेरिका से खार खाए बैठे हैं। प्योंगयांग में शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पुतिन ने उत्तर कोरिया का धन्यवाद किया। पुतिन ने यूक्रेन पर उनकी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए किम जोंग उन को भी धन्यवाद किया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया व्यापार की संभावनाएं तलाशेंगे। पुतिन ने कहा कि व्यापार पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं होगी। पुतिन ने कहा कि दोनों देश पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। पुतिन ने कहा कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया पर अपना मनमाना रवैया थोपने की कोशिश कर रहा है, वह तानाशाही से ज्यादा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया हथियारों के मामले में पुतिन की बड़ी मदद कर सकता है। क्रेमलिन ने इस यात्रा को मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा बताया है।